नमस्कार। हमारा देश में जो सबसे बड़ा अवार्ड मिलता है हाईएस्ट अचीवमेंट के लिए विभिन्न दिशा में, चाहे साइंस या टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, आर्ट्स, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, अति उन्नत मान का काम के लिए वो व्यक्ति विशेष को हमारा देश उनको सम्मान करता है, जिसके नाम हम भारत रत्न अवार्ड के नाम पे सब कोई जानते हैं। ये 1954 से जो सिलसिला शुरू ही थी वो आज तक चलते आ रहा है। उनमें से बहुत महान व्यक्ति ये भारत रत्न में विभूषित हो चुके हैं और आने वाला दिन में भी विभूषित होंगे। ये भारत रत्न द हाईएस्ट अचीवमेंट अवार्ड्स जो भारत सरकार ने निर्णय लेता है और उनको प्रदान करता है, ये साधारणतः भारत की राष्ट्रपति के द्वारा ही दिया जाता है। ये मैक्सिमम 3% को देता जाता है विभिन्न फील्ड्स की। आइए मैं वो भारत रत्न 1954 से आज तक जो अवार्ड ले चुके हैं और उनकी देहांत के उपरांत में भी जिसको पोस्ट ह्यूमस भारत रत्न अवार्ड जिन लोगों को प्रदान किया गया है उन लोगों का भी मैं नाम लूंगा। ये भारत रत्न एक फलक होता है, ये हम लोगों जो पीपल का पत्ता का तरह एक उसी का ही आकृति की उसकी फलक रहता है, वो मेडल रहता है। वो मेडल का जो लंबाई है वो 5.8 सेंटीमीटर की होती है और उसका चौड़ाई जो होता है वो 4.7 सेंटीमीटर की होता है। उसकी जो थिकनेस होता है वो 3.1 सेंटीमीटर की 3.1 mm की थिकनेस होती है। वो पीपल का पत्ता का जो मेडल टाइप है उसकी सेंटर में सूर्यों का सन की इमेज रहता है। वो इमेज की जो डाया होता है वो 1.6 सेंटीमीटर डाया होती है और फलक का मेडल का ओपोजिट दिशा में भारत की जो सोमटो कंट्री की देवांगिरी लैंग्वेज में लिखा जाता है। ये साधारणतः मेडल जो होता है ब्रोंज की होती है। ये भारत रत्न की जो मेडल दिया जाता है उसके बारे में मैं थोड़ा विवरण दिया और विवरण देने से पहले मैंने बताऊंगा कि पहला फर्स्ट जो भारत रत्न हुआ था, मिला था, प्रदान किया गया था वो 1954 में सर्वप्रथम श्री राजगोपालचारी पॉलिटिक्स ही इज द ग्रेट पॉलिटिशियन एंड 1954 में ग्रेट फिलोसोफर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ग्रेट साइंटिस्ट शिवीरमन यूनिवर्सिटी के नाम पे आप लोग जानते होंगे, इज द ग्रेट साइंटिस्ट। ऐसे ही 48 लोगों को अभी तक भारत में भारत रत्न में सम्मानित किया गया और 16 लोगों को पोस्ट ह्यूमसली उन लोगों को भारत रत्न अवार्ड किया गया। 1995 में भगवान दास, मिस्टर विश्वेश्वर राय एंड जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। मैं बता देता हूं जो भारत रत्न लोग को मिलेगा उनका प्रीफिक्स और उनका सफिक्स में कोई भी नाम नहीं होना चाहिए,
ये मैंडेटरी है, इसलिए हम उनके प्रिपक्षी और सफिक्स में कोई नाम भी उच्चारण नहीं करेंगे। 1997 में गोविंद बल्लभ पंथ को मिला था, 1958 में धोंड केशव खरवे को मिला था, 1961 में विधान चंद्र राय को मिला था, 62 में पुरुषोत्तम दास टंडन को मिला था एवं राजेंद्र प्रसाद को मिला था, 1963 में जाकिर हुसैन, पांडुरंगा बर्मन काने, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री, 1971 में इंदिरा गांधी, 1975 में वीवी गिरी, 1976 में के कामराज, 1980 में मदर टेरेसा, 1983 में विनोबा भावे, 1987 में खान अब्दुल गफर खान, 1988 में एम जी रामचंद्रन, 1990 में बी आर अम्बेडकर, नेल्सन मंडेला, 91 में राजीव गांधी, वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, 92 में अब्दुल कलाम आजाद, जे आर डी टाटा, सत्यजीत राय, 97 में गुलजारीलाल नंदा, अरुणा असफ अली, एपीजे अब्दुल कलाम, 98 में एम एस सुब्बुलक्ष्मी, चिंतावरम सुब्रमण्यम, 99 में जयप्रकाश नारायण, अमृत्य सेन, गोपीनाथ ब्रोडोली, रविशंकर में लता मंगेशकर, बिस्मिला खान, 2009 में भीमसेन जोशी, 2014 में सी एन आर राव, सचिन तेंदुलकर, 2015 में मदन मोहन मालविया, अटल बिहारी वाजपेयी, 2019 में प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख, भूपेन हाजरिका। आइए मैं वो व्यक्ति विशेष को भारत रत्न में जो सम्मानित किया गया, आपका जीके के लिए बहुत काम आएगा, एग्जामिनेशन के लिए बहुत काम आएगा, जानकारी के लिए बहुत काम आएगा। हाईएस्ट अचीवमेंट देश की है ये अवार्ड, ऑर्डिनरी अवार्ड से कहीं महत्व रखता है, विश्व दरबार में इसको पहचान जाता है। देश की सम्मानीय व्यक्ति विशेष में उन लोग को सम्मान किया जाता है। यंगेस्ट भारत रत्न अवार्ड जो 40 साल उम्र में ही हासिल किया था, 2014 में क्रिकेट का बादशाह सचिन तेंदुलकर, ओल्डेस्ट पर्सन जो 100 साल जन्मतिथि उपरांत में एक सोशल रिफॉर्मर के नाम पे जाना जाता था, 1958 में जिनको मिला था ओल्डेस्ट भारत रत्न अवार्ड, दंड केशव खरवे, पहला पोस्ट ह्यूमस जो रिसिपिएंट है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, आप लोग को पता होगा महान सोशल एक्टिविस्ट में वो परिचित हैं। लास्ट पोस्ट ह्यूमस में पहला में पोस्ट ह्यूमस में लाल बहादुर शास्त्री, लास्ट में भूपेन हजारिका, एंड लास्ट अवार्ड 2019 में जो सम्मानित किया गया था नानाजी देशमुख को, ये भारत रत्न अवार्ड लोग को मैं इसलिए बोला कि कहीं ना प्रत्यक्ष न परोक्ष रूप में विभिन्न प्रकार कंपटीशन में जानकारी के लिए, एग्जामिनेशन के लिए, स्कूल कॉलेज में कंपटीशन के लिए आप लोग को सहायता करेगा और काम में आएगा। धन्यवाद।